Guys, go through your last 60 notes. सर आप टीडब्ल्यूटी के भी डाउट्स लेंगे क्या? आपके यहाँ अभी तक डाउट्स नहीं हुए उसके? नहीं सर, आज पहला ही लेक्चर है टीडब्ल्यूटी का। यस सर, फर्स्ट लेक्चर। ओके, और हमने जीओसी में कहाँ तक कर लिया है? सर वो मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। सर लास्ट टाइम मेसोमेरिक इफेक्ट किया था। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस किए थे। हाँ सर, चालू था। वही मैं पूछना चाहता हूँ, लास्ट पार्ट क्या हुआ था? एरोमेटिक स्ट्रक्चर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर और सब कर लिया। फिर आपने हेडिंग में इतने कहा था कि हाउ टू फाइंड द गिवन ग्रुपेस प्लस एन एफ एच एम। अच्छा, मैं ये बताने के लिए मैंने बोला होगा ना कि ये मैं बताऊंगा। हाँ सर। सर ठीक है, सो पहले आप अपने टीडब्ल्यूटी के डाउट्स पूछ लो बेटा। चलो बोलो सर। पीडीएफ है आपके पास? हाँ, पीडीएफ कल बैच में किसी ने डिस्कस किया था, सो आई हैव दैट बेटा। कौन सा बैच है? ओके, आई गॉट। बताइए बेटा, व्हिच क्वेश्चन यू वांट? सर 36 37। 36 37 से पहले किसी का कुछ है? सर एक मिनट। सर आप वो पीडीएफ भेज सकते हो ग्रुप पे? हाँ सर, पीडीएफ भेज। सर 22। सर 22। आपका बेटा ग्रुप थ्री है ना, केमिस्ट्री वाला? सर मैंने भेज दिया। भेज दिया क्या? अरे वाह। हाँ सर। तो चलो आप लोग फिर अपने केवल डाउट्स बोलो मुझे बस। तो आई वाज सेइंग 36 37 से पहले कुछ है? 22 22 22 सर 26। एक मिनट, 22 के पहले थोड़ा सा कुछ डांटने का मन है। आप लोग जो मैसेजेस मैं फॉरवर्ड करता हूँ ये लिखता हूँ आपके बैच में, कभी देखते हैं आप? यस सर। हाँ सर। तो यस सर। हाँ हाँ, बस बस बस। तो जरा एक बार आप लोग कभी मैसेज वो है नाइनटीन्थ दिसंबर, कैन यू सी मेरा मैसेज क्या है? 19th December, can you see December का मैसेज देखिए, 19th December। किसी चित्राक्ष बच्चे का डाउट है, उसका रिप्लाई देखिए। हाँ, can you see? और क्वेश्चन नंबर 22 को देखो। क्या नहीं लगता दोनों सेम है? यस। हाँ सर। तो सोचिए कितना बड़ा लॉस हो जाएगा अगर आपको एग्जैक्ट पेपर दे दिया जाए जेई एडवांस का और फिर भी आप फेल हो जाएं। ये तो लकी हो जाएंगे ना कि आपको उस जैसा क्वेश्चन कभी मिल जाए, वरना तो जेई एडवांस सभी के लिए न्यू है, नया प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन अगर आपको मिलता जुलता कुछ मिल गया एंड यू आर अनेबल टू गेट द आंसर, फिर तो वो तो ब्लंडर है। सोचिए क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको आंसर आ गया था एग्जाम में सही से ही? मुझे आया था। अच्छा, चित्रा जिसने पूछा था डाउट, क्या उसको सही आया है? हाँ सर, हाँ सर आ गया था। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये बेटा, ये जो डाउट है ना, ये मैंने दूसरे बैचेस में भी फॉरवर्ड किया था, क्योंकि दिस वाज अ गुड डाउट और उसका रिप्लाई दिया मैंने, तो बाकी बैचेस में भी बच्चों को पता चला, तो वो लोगों को ज्यादा आंसर आ गया क्योंकि मैंने फॉरवर्ड किया। और अगर तुम्हारे बैच में नहीं आएगा तो तुम्हारे बैच में तो किसी बच्चे ने ही पूछा। वेरी गुड। चलो
तो जिसे नहीं आया उसके लिए एक बार फिर से देखो, डबल बॉन्ड जो होता है ना, अगर पूरे कंपाउंड में कहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं है प्रिंसिपल और डबल बॉन्ड है तो हम वहीं से प्रेफरेंस उसी को प्रेफरेंस देते हैं। अगर ओपन चेन होता है तो ओपन चेन में बेटा एंड टू एंड होता है, तो हम डबल बॉन्ड को चाहते हुए भी नंबर वन नहीं दे सकते। अगर वो एंड पे है तो वन दे सकते हैं, बट अगर कहीं बीच में है तो वन नहीं दे सकते। तो हमें एंड टू एंड डिसाइड करना होता है। यहां पर एंड की जरूरत ही नहीं है, जिस कार्बन पे तुम रख दोगे पॉइंट वही एंड हो जाएगा। तो मेरे लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट आइडेंटिकल है। आई कैन गिव नंबरिंग लाइक दिस और आई कैन गिव नंबरिंग लाइक दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, दोनों कार्बन एटम्स क्या है बेटा, आइडेंटिकल। लेकिन अगर बाई चांस मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं, क्या अभी भी ये दोनों कार्बन एटम्स आइडेंटिकल है? तो मुझे कुछ नहीं, मुझे यही नंबरिंग करनी पड़ेगी, इसी स्टाइल से नंबरिंग करनी पड़ेगी, कुछ और कर ही नहीं सकते, बिकॉज द टू कार्बन एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल। इसको प्रेफरेंस में दिया है क्योंकि इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो वो हमारा लोएस्ट नंबर रूल फिट हो गया, लोएस्ट नंबर रूल। बट सर वो लास्ट वाला को तो सिक्स नंबर मिल रहा है ना, जो एक और एक मिथाइल है। तो वही तो कह रहे हैं, तुम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे या सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दोगे? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया ना, और दो डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स में हमने इसको प्रेफर किया। अब दूसरे डबल बॉन्ड कार्बन को भी प्रेफरेंस देनी है, इसलिए नंबरिंग इस साइड की तरफ जाती है, उधर नहीं जाती। तो भले ही तुम्हारे पास यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ही करना पड़ेगा। काश कि तुमने वो डाउट जो चित्राक्ष ने पूछा और उसका रिप्लाई तुमने देख लिया होता, तो तुम्हारा ये मार्क्स में मिल जाता। ये कॉन्फिडेंस देता है बेटा, अगर मार्क्स एग्जाम में आएंगे तो रेगुलर मैनर में तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तुम्हारा, और वो फ्यूचर में भी तुम्हें रिफ्लेक्ट होगा एक्चुअल एग्जाम के दिन। चलो, इसको इसमें कोई और कंफ्यूजन है बेटा किसी को? सर 21st वाला बताओगे? 21st, एक मिनट, वापस मुझे पेपर ओपन करना पड़ेगा। पर मुझे बस जानना था कि ए ऑप्शन गलत क्यों है। क्योंकि वो एल्डिहाइड नहीं है बेटा। जब कभी भी CO के साथ N आता है तो इसको एमाइड के नाम से बुलाते हैं। समझ गए? अगर CO के एक तरफ H है और एक तरफ कार्बन है तो इसको एल्डिहाइड के नाम से बुलाते हैं। अगर CO के दोनों तरफ कार्बन है, इसको कीटोन बुलाते हैं। इस तरह से पहचानना आपको सीखना पड़ेगा बेटा। हाँ सर, थैंक यू। मैंने वही गलती की थी, मैंने उसे एल्डिहाइड लिख दिया था। नो इश्यूज। चलो और बोलो बेटा, और किसी का कोई डाउट है 36 से पहले? सर आप इसी में एक बार सी ऑप्शन आंसर समझा सकते हैं? 36 एक 23rd किसी ने पूछा, उसे उसके अलावा कोई कुछ बोल रहा है? सर आप एक बार इसी में सी ऑप्शन समझा सकते हो आंसर कैसे है? जो कंपाउंड दिया है ना उसको ऐसे लिखो, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और सी एच टू सी एच थ्री और इधर है एच। कौन सा कार्बन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एस्टर हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो एसिड हैलाइड हो, कौन सा कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट होता है? सीओ का कार्बन। कौन सा कार्बन? सीओ का। सीओ कार्बन। तो सीओ कार्बन ये, नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, वन। अब इधर आगे कोई कार्बन नहीं है, इधर जा नहीं सकते, नहीं तो चेन ब्रेक हो रही, यानी कि यहाँ मेन चेन कितने कार्बन की हो गई? वन सर। वन, इसलिए मेथ। कोई डबल ट्रिपल? नो नो सर। एन एमाइड, और ये तुम्हारे लिए नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड एक प्रीफिक्स है, तो एन मिथाइल सॉरी इथाइल आंसर। गॉट इट सर, थैंक यू। सर 23rd
23rd बोला ना आपने, 23rd जो है एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको अगर ये आ जाता, याद है मैंने आपको एस्प्रिन एक कंपाउंड है उसका नाम अलग से बताया है। Yes, sir. और मैंने अच्छे से समझाया था कि बेटा ये एस्टर जैसा दिखता है लेकिन ये एस्टर का प्रीफिक्स इसमें यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एस्टर का प्रीफिक्स तभी यूज कर सकते हैं जब सी डबल बॉन्डो एस्टर का जो है वो कनेक्टेड हो मेन चेन के साथ, तब इसको नाम देते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये एस्टर जैसा दिख रहा है बट वो एस्टर का प्रीफिक्स नहीं ले पाएगा क्योंकि सीओ इधर होना चाहिए, ओ उधर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बोला था इस हिस्से को इथेनोइल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इथेनोइल। और ओ के लिए स्पेशली ऑक्सी लिखा था। अगर यहाँ एक और सी एच टू डाल दो तो हो जाएगा प्रोपेनोइल ऑक्सी, ऐसा करके भी बताया था मैंने, ठीक है। तो इसका नाम इथेनोइल बेंजोइक एसिड, वैसे इसको एसिड ऑक्सी भी एक नाम और देते हैं बट उसकी जरूरत नहीं है, ये जनरल वे में लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर में देखो आप, पहली चीज है ये स्पेशल रूल पे बिलोंग करने वाला क्वेश्चन है कि आपको साइक्लोहेक्सेन दिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, फिर 1, 2, 3, 3 पे आपको कहता है क्या है कार्बोक्सी मिथाइल, तो कार्बोक्सी मिथाइल ये होता है, इसको भी मैंने समझाया था आपको अच्छे ढंग से कि ये मिथाइल है तो ये क्या होगा क्लोरोमिथाइल होगा, ये क्लोरोमिथाइल है तो ये क्या होगा ये कार्बोक्सी मिथाइल होगा, सब अच्छे ढंग से सिखाया था। इस तरह इसी सीक्वेंस में इसी ऑर्डर में मेरा स्टाइल है बताने का, जब कार्बोक्सी मिथाइल पढ़ाता हूँ तो ये कार्बोक्सी मिथाइल ड्रॉ कर दिया, फिर उसने बोला है दूसरा है इथेनोइल ऑक्सी यानी ये वाली चीज, तो बस वो लगा दो आंसर। ऑल्दो तुमको एब्सोल्यूट मैनर में निकालना भी नहीं है, अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता, अगर एज अ स्टूडेंट मैं मुझे आंसर निकालना होता और मुझे माई चांस ये नहीं याद है, टीचर ने बताया बट मैं मान लीजिए एबसेंट था या किसी भी रीजन से मुझे पता नहीं, फिर भी मैं इसका आंसर निकाल लूंगा क्योंकि मैं एक एलिमिनेट करूंगा क्या क्या नहीं हो सकता। तो उस सेंस में जाओगे तो ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके लिए एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है, वो इस तरह के नाम नहीं लिखता, इसलिए ए अवॉइड हो जाएगा। और ए और डी के अलावा कुछ ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो बी और सी में टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी दे दिया उल्टा सीधा, सो सीधे सीधे आपका डी आंसर यहाँ बन रहा है। एनी अदर कंफ्यूजन हियर? नो सर। चलो अब बताइए बेटा 36 से पहले कोई डाउट? सर 30 26 26 में क्या डाउट है बेटा? प्राइमरी एमाइन जिसके साथ भी NH2 लगा है, स्ट्रक्चर ड्रा करो NH2 देखो प्राइमरी एमाइन। सर आप A और C का ड्रा करके बताओगे? A का टर्शियरी ब्यूटाइल का ये स्ट्रक्चर होता है, तीन कार्बन अटैच होते हैं ना टर्शियरी, इसीलिए नहीं इसकी बात नहीं है बेटा, एमाइन प्राइमरी निकालना है। हां वही टर्शियरी था शायद इसीलिए कंफ्यूज हुआ होगा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कंफ्यूज हो गए, उसने टर्शियरी ब्यूटाइल एमाइन बोला तो एमाइन स्ट्रक्चर आ गया, मुझे NH2 दिखाई दे रहा तो ये मेरे लिए प्राइमरी एमाइन हो गया। यस ठीक है, और कुछ इसमें? और सर सेकेंडरी में टू कनेक्टेड हो गए ना, सेकेंडरी ऐसा है ये सेकेंडरी प्रोपाइल इस तरह, अच्छा ब्यूटाइल बोल रहे हैं क्या? ब्यूटाइल हां सर ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कर लो इसको, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है और उसके साथ NH2 कनेक्टेड है, अभी भी ये प्राइमरी एमाइन है। ओके सर। और बोलो बेटा 27 बोला है आपने से किसी? 27 तो बेटा IUPAC ने मिम इनकरेक्ट पूछा है, आप बताओ इसमें से कौन सा ड्रॉ कर दूं मैं? सभी गलत है ना इसमें सर? सर सारे ABCD आप मैं ये सब नहीं जानता, जो डाउट बोल रहा है वो क्या चाहता है, व्हाट इज योर डाउट? सर द बी एंड डी, ए वाला आप पता कर गए, आप ऐसा कह रहे हो राइट, या आप ये कहो
वो मुझसे कि सर मेरे को कैसे इनिशिएट करें ये नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। सर वही मुझे समझ आ रहा है कि कैसे करूं। ये ना, तो अब आपने सही बोला, नहीं तो किसी को करना आता है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को जज नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज डिफरेंट डाउट। यू आस्क डाउट अकॉर्डिंगली, मार्क्स आपको एग्जाम में लाना है, कोई साथ में नहीं जाने वाला। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आप रूट वर्ड ढूंढो, उसमें रूट वर्ड कहाँ पर है, रूट वर्ड, क्योंकि नाम कैसा होता है, रूट वर्ड होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा और प्रीफिक्सेस होंगे, ये स्टाइल होता है नेमिंग का। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, रूट वर्ड से। तो पहला ऑप्शन देखोगे तो उसमें रूट वर्ड लिखा हुआ है मेरे ख्याल से पेंट, सब लोग देख पा रहे हैं बेटा, तो 5 कार्बन का रूट वर्ड बना दिया। फिर कह रहा है 1 पोजीशन पे ओन लगा दो और 4 पोजीशन पे ओन लगा दो। ये 1 पे तो कभी ओन आता ही नहीं है, वैसे ही समझ में आ गया इनकरेक्ट है, बट जो बोल रहा है करते जाओ। फिर 1 पे एमाइनो भी लगा दो, एमाइनो NH2 होता है। फिर बस हो गया क्या सब, और कोई डबल ट्रिपल भी नहीं है क्योंकि प्राइमरी सफिक्स इसका AN ही है, बाकी वैलेंसी कार्बन से हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब नाम क्यों गलत है, बिकॉज ये एमाइड है, यानी कि इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एमाइड हुआ, यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1, 2, 3, 4, 5, तो एक्चुअली में फोर्थ पोजीशन पे जो है वो तो केवल सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा मेरा, 4-oxo pentanamide, ये नाम है इसका असली में, ये रूट वर्ड, ये प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स, ये प्रीफिक्स। समझ में आया बेटा, उन बच्चों को जिनको ये नहीं मालूम इनिशिएट कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर दिया हो तो सॉरी नेम दिया हो तो स्ट्रक्चर कैसे करें, क्लियर। आप इसका डी ऑप्शन भी बता सकते हो बेटा, आवाज बहुत धीमी आ रही है। सर उसने डी ऑप्शन बोला, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली राइट, यस सर। डी ऑप्शन में कहता है साइक्लोहेक्स, तो सबसे पहले साइक्लोहेक्स बना लो क्योंकि रूट वर्ड वही है, और ईन कहता है तो ईन बना दो, और फिर 1 पोजीशन यहाँ पर मान लो उसको, 1 ये है तो 2 यहाँ हो जाएगा, है ना, तो 2, 3 ये मान लो, 4 ये मान लो, 5 ये, 6 मान लो, और कहता है 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा दो, यानी यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ पर CH3 लगा, ये पॉसिबल है, ये तो नाम अभी क्वेश्चन नंबर आपने खुद ही पूछा है, है ना, ये तो वही है। देखो गलत नाम से स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको नाम क्लियर हो जाएगा कि मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है। हाँ सर, ये क्वेश्चन मोस्टली सब्जेक्ट है, मल्टीपल चॉइस है। चलो और तो सी भी, क्या बेटा, सी ऑप्शन प्लीज, सी भी आप कह रहे हो, मैं ड्रॉ करके दिखाऊं। हाँ सर, तो ये वाला इसका डी ऑप्शन में ये इसलिए गलत है, जैसे वो क्वेश्चन 22 में था ना कि वो 1 वो CH3 वाला होना चाहिए, तो ये जो नंबरिंग यहाँ लिखी हो ये नंबरिंग ही गलत है। हाँ, नंबरिंग कैसी होनी है इसकी, ऊपर जाना है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। किसी बच्चे ने सी बोला, सी तो गलत है बेटा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशल सफिक्स तब आता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड 3 या ज्यादा हो, ये 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, तो ये स्पेशल सफिक्स वाला नेम नहीं हो सकता है, देखो मैंने स्पेशल रूल करके लिखाया हुआ है। हाँ सर, चलो और बोलो। 29 का सी, 29 का बी, 29 का बी क्यों रॉन्ग है, 29 का कौन सा बेटा, बी फॉर बैंड्रा, 1-chloro-4-methyl-pent, ये तो बहुत ही आसान है यार, प्राइमरी सफिक्स 2 नहीं होते किसी भी कंपाउंड में। अच्छा वैसे, हाँ गॉट इट। और कौन सा बोला है किसी ने, सर सी, सी स्पाइरो यानी रिंग कंपाउंड है, रिंग में वही का एसिड आ ही नहीं सकता बेटा, 3 का मतलब 4 की रिंग, 4 का मतलब 5 की रिंग, और
फिफ्थ पे ओई, यानी वो हो ही नहीं सकता बेटा, ये स्पेशल रूल को बिलोंग करता है, पहले रिंग का नाम फिर स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, वी कैन नॉट राइट ओइक एसिड फॉर दिस। और कौन सा बोला बेटा किसी ने? सर डी। डी तो अभी बताया सर। सर डी फॉर दिल्ली। यही तो है डी। नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में 29th। अरे 29th का डी दोनों का सेम ही लग रहा है। सेम है। यस सर। ओके सर, सॉरी। पेपर बनाने वाले ने मिस्टेक कर दी इतने समय। हाँ बोलो, और क्या बोला आपने? सर वो सी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू फंक्शनल ग्रुप है इसलिए। रिंग, हाँ, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग, ये पूरा सेम। चलो और बोलो बेटा। No more doubts in the paper. बंद कर दो। 34 का है। सर 28 में क्या चाहिए बेटा? सर 30th वाले में मुझे पता नहीं। एक एक करके जब 28 किसी ने बोला है तो अपना डाउट क्लियर करे कि वो क्या चाहिए। सी दिखा दीजिए प्लीज। बी और सी तो ऑप्शंस हैं बेटा। आर यू सेइंग कंपाउंड में मैं बता दूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग पूछते क्या हो यार। तो बी और सी वाला ऑप्शन एक बार बता दीजिए। बी और सी ऑप्शन से मतलब ही नहीं है बेटा। आप ये बोलो मुझे डिग्री फाइंड करना नहीं आता भाई। आप केवल ये बताओ ना, मुझे ब्लू कलर पता करना नहीं आता, येलो कलर पता नहीं करना आता है भाई। बॉल्स आपको दे दी गई अलग अलग कलर की और बोला गया कि येलो को अलग कर दो, ब्लू को अलग कर दो, तो तुम समझ नहीं पा रहे मुझे क्या करना है वो बताओ। कि सर हमको यही नहीं पता ब्लू किसको कहते हैं, येलो किसको कहते हैं। ऑप्शन से मतलब ही नहीं ना। ऑप्शन तो केवल ये बोलता है कि भाई इसमें 1 degree है, इसमें 2 degree कार्बन, इसमें 4 degree कार्बन, इसमें 3 degree कार्बन है। इफ यू नो हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ एनी कार्बन इन अ कंपाउंड तो अपने आप आंसर आ जाता है। तुम्हारा डाउट मेरे तुम्हें डाउट ऐसा होना चाहिए कि सर ये मुझे ये जो फोर्थ कंपाउंड दिया है ना, ये डिग्री मेरे को सारी 3 degree या 4 degree आ रही है, इसमें 2 degree कैसे हो गया, लाइक दैट। इस तरह क्वेश्चंस पूछो। रैंडम क्वेश्चन पूछने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको और मैं हेल्प ही नहीं कर पाऊंगा बेटा। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि भाई डिग्री किसको कहते हैं, कार्बन की अगर 4 degree है तो कैसे पता करते हैं, ये इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। और कोई डाउट बोलो बेटा, पहले अपना डाउट अच्छे से। 34 का है। 34 वाला। एक एक करके बात करो बेटा। 34th में किसने क्या बोला? सर ए पार्ट। ए प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स माना जाता है IUPAC में, जबकि एल्कोहल्स वगैरह टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें नहीं माना जाता। अगर आप अपनी जो प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट देखोगे ना तो उसमें मैंने 1 degree, 2 degree, 3 degree एमाइंस में सेपरेटली लिखा है, जाकर लिस्ट चेक कर ली। हाँ सर। और बोलो सर, तो हमें उन्हें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानना है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मानते हैं। सर 34 पे डी बताओ। 34th का डी बताओ। यस 34th में डी में बेटा पहला वाला जो है वो एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड, और दूसरा वाला है एस्टर। एस्टर और एसिड दो अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? 31। आप लोग दूसरे के भी डाउट सुनो बेटा। आप लोग ये मत सोचो कि मुझे केवल अपना डाउट पूछना है। दूसरे का जब डाउट चल रहा होगा उससे कुछ अच्छी चीज आपको मिल सकती है, नहीं तो फिर बाद में वो डाउट कोई दूसरा आपको बताने नहीं आएगा। तो एकदम भागने से बेटर है पहले उसको सुन लो। आप बोलिए बड़ा, इसके बाद कौन सा डाउट मैं ले लूं? 30th क्वेश्चन। एक मिनट, किसी ने 30 बोल दिया Awesome, जबकि मैं बार बार पूछता जा रहा हूँ। इसके पहले किसी का डाउट तो नहीं है, क्योंकि मैं रैंडम मैनर में नहीं जा सकता, नहीं तो पूरी क्लास डाउट्स पे वेस्ट हो जाएगी। जब मैं लोगों से पूछ रहा हूँ इसका लॉजिक है। कई बार बच्चे जो उतना ध्यान नहीं देते अचानक से कुछ ना कुछ पूछना शुरू कर देते हैं,
तो प्लीज ऐसी उल्टी सीधी काम नहीं करना है मुझे। क्या 30 के पहले किसी का कोई डाउट है? अब किसने 30th डाउट पूछा है? सर मैंने 30th पूछा। क्या डाउट है उस 30th में आपको? सर मैंने ऑप्शंस ए बी डी मार्क की है, पर लाइक करेक्ट ए सी डी है, तो मुझे नहीं समझा कि नहीं मेरे पास जो पेपर है उसमें ए बी डी आंसर दिया हुआ है। हाँ, yes, सर मेरे को भी करेक्ट मिला ए बी डी। सर मैंने ए सी डी मार्क किया, तो पता नहीं मुझे कि सी आंसर गलत क्यों है। तो भाई चेक करो ना, आप चेक कहाँ कर रहे हो? अभी मैंने बोला है कि आप रूट वर्ड से शुरू करो, तो आप रूट वर्ड से ड्रॉ करने का ट्राई करो। साइक्लोहेक्सेन बनाया मैंने, फिर वो कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। फिर कहता है 4-chloro कर दो, 1-2-3-4 4-chloro कर दो। फिर कह रहा है कि 3-methyl कर दो, 3-methyl कर दो, ऐसे। तो इस तरह आप पूरा करके और फिर चेक करो कि क्या आंसर सही है। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अब इस तरह से आप मैच कराइए, ठीक है? ओके सर। और बोलो बेटा। 39 31 31 से पहले आप कोई डाउट्स नहीं लूंगा, ये आप समझ लीजिए। 31 में क्या डाउट है बेटा? व्हाट इज योर डाउट? कुछ समझ में नहीं आया बेटा मुझे। क्या मेरी आवाज बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है? यस सर क्लियर। तो वो बच्चा नहीं है ना जिसने डाउट पूछा है 31, वो प्रेजेंट नहीं है, राइट? सर 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 नहीं बोलना है, सर आवाज आ रही है, वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ क्या वो बच्चा है जिसने 31st क्वेश्चन नंबर पूछा, या मैं कुछ और बताऊं? सर मैं हूँ। पूछा क्या? आई एम सेइंग व्हाट इज योर डाउट? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को बी नहीं आ रहा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ सी नहीं आ रहा। सी नहीं आ रहा आपको? बाकी आता है कि कैसे निकाले डिग्री ऑफ कार्बन एटम? आप छोटे बच्चों की तरह बात करते हो। आपके अपने घर पे मैं ब्लू पहचान लेती हूँ, मैं येलो पहचान लेती हूँ, मैं ऑरेंज पहचान। आंटी के घर जाती हूँ तो मुझे ब्लू कलर समझ में नहीं आता है। तो इस तरह के डाउट्स ये हैं कि छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि मैं अपने घर में ब्लू येल्लो रेड सब पहचान लेता हूँ, लेकिन आंटी के घर जाता हूँ तो मुझे ब्लू येल्लो रेड कुछ समझ में नहीं आता। ये जो सी ऑप्शन है इसमें मुझे केवल ये देखना है कि कितना कार्बन किस किस के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ वो 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो ये 3 डिग्री है। ये वाला भी 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, 3 डिग्री है। ये वाला कार्बन जो है 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है। इस तरह मैं सारे कार्बन एटम्स को हाईलाइट कर लूंगा, ठीक है? तो पूरे इसमें मुझे केवल 1 डिग्री एंड 3 डिग्री मिला, तो 2 टाइप्स, सो दिस विल बी आंसर। ओके सर, मुझे तो समझ नहीं आया था क्वेश्चन, मुझे लगा 2 डिग्री का। ऐसा तो नहीं लिखा, ऐसा लिखा है कंटेन ओनली 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। ओके चलो, और बेटा किसी का कोई डाउट है? 36 से पहले किसी को कुछ पूछना है? 36 और 31 के बीच में किसी का कोई डाउट है? ओके, सो सीधे 36 पूछा गया है। 36 में देखो, 36 टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, इतना उसको लेके परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहली चीज है कि OH जो फंक्शनल ग्रुप है और वो डिफरेंट नहीं लेते हैं, चाहे वो सेकेंडरी हो प्राइमरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एमाइंस के केसेस में डिफरेंट लेते हैं। तो एक OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक आप देखोगे तो सेकेंडरी एमाइन फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, एक प्राइमरी एमाइन फंक्शनल ग्रुप दिया है, एक SH फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, फिर कुछ अननोन से फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं।
जैसे सी डबल बॉन्ड एन, हो सकता है आईयूपीएससी नेम हमको नहीं आता हो, क्योंकि देर आर मेनी एग्जाम्पल जिनके आईयूपीएससी नेम सबको नहीं आते हैं, हम तो फंडामेंटल चीजें करते हैं, बट जो भी डिफरेंट दिखेगा उसको हम नया फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। फिर इसी तरह एक देखोगे तो आपको एन डबल बॉन्ड एन करके ऐसा दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारे लिए इतने डिफरेंट हो गए उसमें, वो हमारे लिए आंसर्स हो जाएंगे और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, जैसे अमाइन का प्राइमरी सेकेंडरी डिफरेंट लेते हैं, वैसे अमाइन्स भी लेते हैं क्या डिफरेंट? Amines ही different लेते हैं और कुछ नहीं different लेते हैं। Okay sir। अच्छा, अगर मैं paper बनाता तो मैं शायद ये group और ये group आपके उसमें नहीं डालता, मैं जितने syllabus के अंदर है उसमें ही difficult situations बना के questions डाल देता। ठीक है, लेकिन कुछ भी सामने वाले ने दिया हो हमें as a student निकालना आना चाहिए बस। ठीक है, ये है, इसमें एक क्वेश्चन 39 है, उसमें आंसर 7 होना चाहिए, आंसर 8 जो लिखा है वो गलत है। तो जिसने परहाप्स पेपर बनाया या आंसर निकाला उसने शायद OH जो दो है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनको अलग अलग मान लिया है, जबकि OH चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो उसको सेम फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एक सेकेंडरी एमाइन फंक्शनल ग्रुप है, एक आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और एक ओएच फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, और एक एमाइड फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। बेटा ध्यान से देखो कि इसको एमाइड कहते हैं, तो लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये एमाइन और कीटोन नहीं है, ये टोटल में एमाइड है, तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। क्लियर है बेटा? बट सर मतलब टोटल कितने होंगे तो फिर सर? तुमने पूरी बात सुनी नहीं क्या मेरी? हाँ सर सुना। हाँ तो बस फिर बंद करो और बोलो बेटा, और किसी का कोई कंफ्यूजन है? सर बस 39 वाले में जो राइट पे है दैट इज कीटोन प्लस अमाइन, नो? हाँ, राइट वाला कीटोन है और लेफ्ट वाला एमाइड है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। आंसर कितना दिया है? 8, लेकिन वो तब होता जब क्वेश्चन पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बोलते ही जो दो एल्कोहल हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सेम। ठीक है सर, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट फंक्शनल ग्रुप मर्ज टुगेदर एज समथिंग एल्स? फंक्शनल ग्रुप्स मर्ज टुगेदर ऐसा नहीं होता बड़ा, वो जो भी फंक्शनल ग्रुप से वो पहले से डिफाइंड है, मर्ज अर्ज करके हम वहां कुछ नहीं बनाते। सर आप एक बार ये 39 वाले में रिपीट करोगे कि आप कीटोन प्लस अमाइन ऐसा क्या बोल रहे थे? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक एमाइड भी फंक्शनल ग्रुप है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, इसको कीटोन और एमाइन दो फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं जबकि ये एमाइड है, सीओ के साथ एन मीन्स एमाइड। बहुत ज्यादा आप लोग डाउट्स ऐसे पूछ रहे हो, और बोलो। 37 होना चाहिए ना? एक मिनट, 37 में क्या पूछा आपने? सर उसका आंसर 4 होना चाहिए ना? आपको कौन सा नहीं आ रहा आप ये बताइए। सर मेरे को आ गए लेकिन उधर आंसर 3 दिया, मेरे को 4 आ रहे हैं जिसमें चारों एक कार्बन। सर वो करेक्ट सर वो पहले 3 दिया था पर अभी करेक्शन हो गया वेबसाइट पे। ओके चलो, यस सर 4 आ रहा है। और बोलो बेटा, और किसी का कोई डाउट है? सर 38th में क्या डाउट है बेटा? ये तो साफ साफ दिख रहा है मेरे को, दो प्राइमरी है और सेकेंडरी एमाइन है, क्या प्रॉब्लम है भाई? ये वाला एमाइड है, कितनी बार आपको बताएं, सीओ के बगल में का एन नाइट्रोजन है उसको एमाइड कहते हैं, नहीं समझ में आया? हाँ सर। और बोलो, हो गया पेपर बेटा? यस सर। हाँ, अभी जीओसी स्टार्ट करें सर। 41 क्वेश्चन ही नहीं है बेटा,
प्रिंसिपल मतलब पेरेंट चेन, तो आप ऐसी कार्बन चेन ढूंढिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हो। नहीं ढूंढ पा रहे सर, वो बीच में का लाइन है, दो चेन में से आ रहे इसलिए सिलेक्ट नहीं कर पा रहा कौन सा है। अगर दो चेन इक्वल लेंथ की है तो तुम्हें तो केवल कार्बन ही बताने, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ओके सपोर्ट सर, मुझे एक में तीन आ रहे थे और एक में चार, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। तो चार वाला लोग है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये मेरा वन नंबर हो गया, इसके बाद ये टू है, इधर गए तो थ्री, इधर गए तो थ्री फोर, तो मैं फोर लूंगा ना। ओके सर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन यार, ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत करके आओगे कैसे चलेगा। चलो और कोई कंफ्यूजन है? बंद कर दूं मैं पेपर? हाँ सर। गाइस लास्ट लेक्चर का जो पार्ट था उसको कंटिन्यू करते हैं, और पॉइंट्स में ही लिखिएगा हाउ टू प्रिडिक्ट इफ अ गिवन ग्रुप is electron releasing group or electron withdrawing group via resonance, जिसको हम लोग प्लस एम और माइनस एम भी बोलेंगे। ठीक है, जो लिस्ट मैंने दी है उसको बिना रटे कैसे आंसर निकाले वो है। ठीक है, ये हेडिंग डाल दीजिए बड़े सारे बच्चे। सर यस सर, वो दूसरा ई डब्ल्यू जी है। यस ई डब्ल्यू जी है सर, जो ई डब्ल्यू जी है वो प्लस एम है ना? ई डब्ल्यू जी माइनस एम होता है, ई आर जी प्लस एम होता है। ओके सर। सर यस सर, लास्ट टाइम यू हैव रिटन द हेड इन हाउ टू प्रेडिक्ट इफ अ गिवन ग्रुप इज प्लस एम माइनस एम और बोथ सर, बट नाउ यू हैव नॉट रिटन बोथ। हाँ तो बोथ भी बताओ, डोंट वरी बेटा। ओके शुरू करें। यस सर, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट से पहले एक चीज ये लिख लो, व्हाटएवर ग्रुप गिवन अटैच दैट ग्रुप विद बेंजीन रिंग। वैसे आप किसी और के साथ भी अटैच कर सकते हैं, देयर आर मेनी सुटेबल ग्रुप्स जिनके साथ अटैचमेंट किया जा सकता है, बट हम फैमिलियर हैं बेंजीन के साथ तो बेंजीन के साथ कनेक्ट करेंगे। एक और चीज, ये जितना भी मैं आपको लिखा रहा हूं दैट इज जस्ट माय एक्सपीरियंस, ये चीज आप खुद भी कर पाओगे जब आप कई सारी प्रॉब्लम्स रेजोनेंस से रिलेटेड कर लोगे। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू सो दैट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्पीड है वो रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस में बढ़ जाए। ठीक है, तो ये कोई ऐसी अलग सी चीज नहीं है। हाँ, इसका कोई फॉर्मल थियरी नहीं है, ये अपनी मर्जी से मैं आपको लिखा रहा हूं, जस्ट माय एक्सपीरियंस विद यू। ठीक है, तो अटैच गिवन ग्रुप विद बेंजीन रिंग। अब आता है इसमें पहला पॉइंट, इफ फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप
which is connected with benzene has lone pair. बड़ा आसान सा तरीका है, has lone pair. इमीडिएट आप उसको बोल दोगे प्लस है, कोई टेंशन नहीं लेना. NH2 ग्रुप दिया है, इसको तुम बेंजीन से कनेक्ट करते ही देख पाओगे कि पहला एटम कौन सा है बेटा, नाइट्रोजन विच इज कनेक्टेड टू बेंजीन. क्या उसके पास लोन पेयर है? यस, दैट मींस होल ग्रुप विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और प्लस एम वाया रेजोनेंस. ठीक है, अब डिफिकल्ट एग्जांपल देखो, ओ सी ओ सी एस थ्री, अजीब सा एग्जांपल है, टेंशन नहीं लेना है. इसको किसके साथ कनेक्ट कर दो? बेंजीन के साथ. कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी हिस्सा क्या है, जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट एटम. क्या उसके पास लोन पेयर है? यस, दैट मींस होल ग्रुप विल बिकम प्लस एम, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस. इट्स वेरी वेरी इजी. पहले ये कॉपी कर लो. सर नेक्स्ट स्लाइड. सर हो गया, सर सर ये हो गया, ये हो गया ना. अरे सर हैज लोन पेयर के बाद वो है ना, इज कॉल्ड प्लस एम. हैज लोन पेयर देन इट इज कॉल्ड द होल ग्रुप बिकम्स प्लस एम. स्टेटमेंट आप कंप्लीट कर लो ना अपनी स्टाइल से. डन ना बेटा, रिमूव कर दें इसको. सर आपने ERS के आगे क्या लिखा है? ERG है, ERS नहीं है वो. ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. हो गया सर. सबने लिख लिया? यस. दूसरा पॉइंट इसमें लिखे बड़ा, सेकेंड पॉइंट, इफ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम डज नॉट हैव लोन पेयर, इफ डायरेक्टली connected atom does not have lone pair but it is pi bonded. What is meant by this pi bonded? Double or triple? Double, triple. Pi bonded with more electronegative atom. ये condition देखते ही immediate बोल देना ग्रुप इज माइनस है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस. लुक एट द स्क्रीन,
अगर मैंने दिया है सी एच ओ, इसको कंडेंस्ड फॉर्म से ओपन फॉर्म में लिखो, बेंजीन से कनेक्ट करो, क्या तुम देख पा रहे हो पहला एटम कार्बन है? Yes. क्या तुम देख पा रहे हो उसके पास लोन पेयर नहीं है? क्या तुम देख पा रहे हो ये पाई बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ? दैट मीन्स होल ग्रुप विल बिकम व्हाट? माइनस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय रेजोनेंस। डिफिकल्ट एग्जांपल देखो, सी ओ ओ सी एच थ्री, ये कंडेंस्ड फॉर्म है, इसको ओपन करके लिखो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री। कैसे ओपन करते हैं? वैलेंसी के बेसिस पे, कार्बन फोर वैलेंसी वाला है, तो ये जो ओ है वो एक डबल बॉन्ड के साथ आया और आगे बिकॉज इसकी तीन वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई, तो एक्स्ट्रा जो आएगा अब वो केवल एक वैलेंसी के साथ आएगा और उसकी जो दूसरी वैलेंसी वो मिथाइल ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है, ये ओपन करके हमने लिख दिया। और फिर किसके साथ कनेक्ट कर देना है? Can you see first carbon, first atom is carbon, no lone pair, pi bonded with oxygen, whole group will become electron withdrawing group. Copy कर लो बड़ा। Sir, I have one doubt, sir. Yes, beta, please ask. Sir, we no need to connect now, sir. Just keep it like that and check whether it has lone pair or not, sir. Is it necessary that we have to connect and check, sir? No need, because if directly you can see, na, the first atom, if you can identify, this is the first atom which yes. is having unsatisfied valency. So just check if this there is no lone pair, it is pi bonded. Definitely you can see. Okay. Okay, sir. Sir, benzene point? Sir, benzene ring point? Sir, suitable group. तुम किसको पैसा दोगे? ये मान के चलोगे ना कि भिखारी सामने लाना है मेरे को? नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है सर, वो बॉन्ड रखे तो भी चलता। हाँ कोई सूटेबल ग्रुप दूसरा भी, आप रेजोनेंस भाई पहचानना तो हम पहचान सकते हैं ऐसी देख के, लेकिन रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आएगा पिक्चर में? जब सामने कोई लेने देने वाला होगा ना, समझे कि नहीं? तुम एक फ्रेंड दो, बट वो फ्रेंड कब पिक्चर में आएगा? दो लोग होंगे ना, तो दूसरा कौन है? तो वो कोई सुटेबल हमको चूज करना था, तो हमने एक बेंजीन चूज कर लिया है, वरना उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, रेजोनेंस कैसे बोलेंगे? तो पूरी चीज सही से नजर आए इसके लिए एक सुटेबल ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते ना कि आप सी एच थ्री को सी एच ओ से कनेक्ट कर दो और बोले कि यस सी एच ओ इज प्लस एम इफेक्ट ग्रुप या माइनस एम इफेक्ट ग्रुप, यहाँ कुछ वैलिड ही नहीं है वो चीज। तो देयर इज अ सुटेबल ग्रुप, ठीक है, जो यहाँ बेंजीन है। चलो ये कॉपी कर लिया, हटा दें इसको। यस सर, बट आई कैन सी सम एक्सेप्शंस फ्रॉम द लिस्ट दैट यू गिव। कोई एक्सेप्शन नहीं, सब फिट हो जाएगा। सर इसको हटा दें। यस सर, आप ठीक से अप्लाई करिए बेटा, ये एकदम परफेक्ट चीजें बता रहा हूँ। इसमें आपको जो नहीं भी है वहां लिस्ट में वो भी आप निकाल सकते हो, लिस्ट तो छोटी सी चीज है गाइस।
थर्ड आप पॉइंट लिखिएगा लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू, कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड टू रूल्स. मतलब फर्स्ट एटम इज हैविंग लोन पेयर एज वेल इट इज पाई बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्या इस बात को आप समझ पाए? यस और नो बोलो. कैन यू रिपीट? मैंने कहा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ केस वन एंड टू. मतलब पहला एटम देखा लोन पेयर, तो आइडियली ये हो गया प्लस एम. फिर वो कह रहा है कि इट इज पाई बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट मींस केस टू. इसके अंदर यानी दोनों कैरेक्टर आ गए तो होल ग्रुप विल बिकम व्हाट? बोथ प्लस बोथ केस वन एंड. समझ में आई मेरी बात? इसको लिख लो आप लोग. एक मिनट रुकना, आप कॉपी करिए.
गाइस नेक्स्ट पॉइंट इसमें कंटिन्यूएशन में लिखिएगा वट एवर ग्रुप गिवेन इफ यू फाइंड दैट द फर्स्ट एटम एंड द सेकेंड एटम दे आर पाई बॉन्डेड एंड दे आर आइडेंटिकल then the whole group will be again called both plus m and minus m theek hai jaise example dekho like ek group diya hai ch double bond ch2 theek to agar main isko benzene se connect karta hu to resonance hoga ab ye resonance plus m wala hoga ya minus m wala hoga humne first atom dekha aur pi bonded with another atom aur dono carbon atoms hain identical hain तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा बेटा इज इट क्लियर सर एक बार फोर्थ वाला रिपीट करेंगे फोर्थ वाले में मैंने बोला है कि आप वो ग्रुप जब बेंजीन से कनेक्ट करते हैं और पहला और दूसरा एटम पाई बॉन्डेड है ठीक और आइडेंटिकल है तो उसको प्लस एम और ये एग्जांपल भी दिया है आपको सो एनी अल्कलाइन ग्रुप विल बी लाइक व्हाट कैन वी से अबाउट देम सर What? Any alkaline? Alkaline, yes sir. Alkaline क्या होता है? Alkyl. Alkyl group. No, I didn't say alkyl. मैं तो कहा कि carbon carbon identical. Where can we put them, sir? Like in which? जबरदस्ती नहीं, नहीं नहीं नहीं. No extra logic. जब एक logic मैंने बना के दिया, तो उसको follow करना है. अपना logic क्यों उसमें डाल देना alkyl group? मैंने कहा simple. पहला एटम देखा और उससे जुड़ा कोई पाई बॉन्ड देखा क्या तो हाँ देखा और वो क्या आइडेंटिकल है हाँ आइडेंटिकल है यस प्लस एम व्हाई शुड आई से एल्काइल एल्कीनिल एल्काइनिल देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज व्हाई शुड आई से दैट नहीं समझ में आया आप जबरदस्ती करप्शन क्यों डाल रहे हो सिंपली आपको क्या किसी बच्चों को समझ में नहीं आई क्या मेरी बात मैंने कहा पहला एटम देखो और दूसरा देखो पाई बॉन्डेड आइडेंटिकल है इतने अगर नहीं समझ में आ रहे तो इस पार्ट को हम स्किप भी कर सकते हैं आप रट लो उन ग्रुप्स को नो सर नो सर आई वाज नॉट सेइंग दैट लाइक इफ एल्काइन सम दैट ग्रुप एल्काइल ग्रुप तो कुछ होगा ही नहीं उसमें रेजोनेंस ही नहीं होगा कहां रेजोनेंस हो रहा है जबरदस्ती क्यों बोल रहे हो There is no resonance. यहाँ पर कुछ नहीं करेगा वो कहाँ डबल सिंगल डबल मिलेगा आपको डबल सिंगल ट्रिपल ओके सर पूरी बातें सुनो बेटा साफ साफ लिखा है आइडेंटिकल ग्रुप्स पाई बॉन्डेड डायरेक्टली कनेक्टेड इसके अलावा क्यों जबरदस्ती हम पॉइंट्स बनाए सर पाई बॉन्ड्स और क्या था तो वो पूरा ग्रुप हो जाएगा ना प्लस एम और माइनस एम यस बेटा जो भी हम निकाल रहे हैं ये पूरे ग्रुप के लिए ही निकाल रहे हैं ओके सर थैंक यू हो गया वेरी गुड अब इसमें एक और केस लिख लेते हैं देखो एक और चीज मैं बता दूं आपको जो मैंने रूल वन और टू बताया है ना आप मानकर चलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी से सॉल्व थोड़ा बहुत अलग से है जो ये मैं आपको बता रहा हूँ इसमें केवल इतना याद रखना कि इफ देयर इज अ ग्रुप एंड उसका जो पहला एटम इफ दैट एटम इज हैविंग यू नो एम्प्टी ऑर्बिटल मान लीजिए यहाँ पर कोई एटम है डी पहला और उसके और भी एटम्स होंगे बट इसके पास क्या है होना चाहिए बेटा वेकेंट ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल तो आपका होल ग्रुप क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय रेजोनेंस वेकेंट मतलब उसके हाथ में कटोरा है जिसको उसको इलेक्ट्रॉन यानी पैसा चाहिए तो जो मांगेगा वो विड्रॉइंग कहलाएगा माइनस एम ठीक है एग्जाम्पल बी एच टू के बोरॉन के पास एंटी ऑर्बिटल होता है इसलिए बी एच टू किस टाइप का ग्रुप हो जाएगा माइनस है ऐसे रेयर सिचुएशंस हैं बट फिर भी इसको भी कॉपी करो
Should I remove this beta? Yes, sir. Yes, sir. Is the screen visible? No. Sir, your voice is not coming. दिखाई दिया बेटा? Can you see the question? Sir, screen. Sir, आपने screen sharing बंद कर दी शुक्र शायद गलती से. एक मिनट. अभी दिखाई दिया क्या? Yes. हाँ. जस्ट अटेम्प्ट दिस बेटा क्विकली. हाँ, कुछ भी इधर उधर मत सोचो बेटा, ज्यादा निगेटिव मत हो. जो पढ़ाया गया पहले उसको समझो. जैसे एक बच्चा कह रहा था आई कैन फाइंड एक्सेप्शनल केसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको अवॉइड करो. बी पॉजिटिव. जितनी चीजें आ रही क्या वो आप कर पा रहे हो, बहुत मैटर करता है. आप इधर उधर मत भागना, जो मैंने बताया उसको यूज करो. गेट द आंसर. बी पॉजिटिव. मैं बोल रहा हूँ बार बार. सब क्वेश्चंस भी कॉपी करने क्या नोट्स में? हाँ, सब करना है बेटा. ये क्वेश्चंस करने के बाद जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे वो आराम से आप डील कर पाओगे. हो गया बेटा, सबने सोच लिया? सर थर्ड वाला था. 201.
केवल आप जो कंडेंस्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखा है ना, इसको ओपन करके सोचना, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। Done, sir. Yes, sir, done. Yeah, very good. Guys, सबसे पहले एक दो एग्जांपल में करके दिखाता हूँ, फिर सबके लिए लिख दूंगा, फिर जो आप भूलोगे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. Like if I write CONH2, तो मैं क्या करूंगा, as a student with the help of valencies, मैं इसको open करूंगा. तो carbon NH2 is a group जिसकी single valency मान के चलेंगे ऐसा, तो ये double bonded oxygen हो जाएगा. अब अगर इसको benzene से मैं connect कर दूं, तो can't we see कि the first atom is carbon, right? Double bonded दिख रहा है oxygen. Yes, carbon is not having any lone pair, but it is pi bonded with more electronegative. Whole group will be what? Both. Minus M. Electron withdrawing via resonance. Perhaps sir, screen थोड़ा shake हो रहा है. क्या? नहीं दिख रहा है क्या screen? दिख रहा है. चल, so NO2 के लिए आते हैं अभी. तो NO2 का structure बेटा chemical bonding के point of view से सोचेंगे तो दो तरीके से बन सकता है. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर आप कर सकते हो, या फिर फॉर्मल चार्जेस के थ्रू आप बना सकते हो ऐसा. तो मैं पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, ये मानते हुए कि आपको आता है नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. केवल मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ किए, दिखाने के लिए कि बेटा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. यहाँ भी जो लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो अभी इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है. इसका मतलब जब तुम बेंजीन के साथ कनेक्ट करोगे तो क्या पहले एटम के पास लोन पेयर है? नहीं. नो. क्या ये पाई बॉन्डेड है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ किधर भी? यस. होल ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा? माइनस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. सर हाँ, मुझे प्लीज एक बार बताएंगे आप कि वो लोन पेयर क्यों नहीं रहता? लोन पेयर बेटा ये देखो ना, नाइट्रोजन चार बॉन्ड्स बना रहा है. अगर आप इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखो, चार बॉन्ड्स बना रहा है, तो नाइट्रोजन के पास तो पांच इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर एलिमेंटल बेसिस पे बात करें. फिर एक प्लस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ऐसा मान लो, तो चार इलेक्ट्रॉन्स में चारों बॉन्ड्स बनाने चले गए, तो क्या लोन पेयर बचा यहाँ पर? नहीं. ये इस स्ट्रक्चर पे सोचा, इस स्ट्रक्चर पे आते तो वो तीन बॉन्ड्स बना रहा था, दो ऑक्सीजन के साथ और एक बेंजीन के साथ, एक लोन पेयर था. वो लोन पेयर उसने ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, क्या कोई लोन पेयर बचा? नहीं. क्लियर? तो इस तरह से निकालते हैं. अब इस पे आते हैं, देखो इसको ओपन कर लो बेटा. ओ सी डबल बॉन्ड हो CH3. अब तुम्हें केवल कौन सा एटम सबसे पहले देखना होता है?
फर्स्ट, क्या फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है? यस सर। क्या आगे वो पाई बॉन्डेड है? नो, यानी होल ग्रुप विल बिकम व्हाट? प्लस प्लस दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बाय रेजोनेंस। ठीक, तो इस तरह से ये भी आ गया। अब मैं सबके आंसर लिख रहा हूं, आप जिसका बोलोगे मैं उसका ओपन करके दिखा दूंगा। माइनस एम मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और प्लस एम मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। देख लो बेटा सारे बच्चे। और सेकंड का एफ के साथ किधर जॉइन करने का? सेकंड का एफ, ये अनसैटिस्फाइड वैलेंसी है ना, तो मेरा पहला कार्बन हो गया पाई बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, कांट यू सी केस टू। अच्छे से नहीं समझा। क्या अच्छे से नहीं समझा? क्या आपको ये नहीं दिखा कि पहला एटम कार्बन है? हाँ तो वो दिखा उसके। क्या आप ये नहीं देख पा रहे हो कि ये पाई बॉन्डेड विद नाइट्रोजन है? हाँ सर। मुझे और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, आप रूल टू पढ़ो, अभी जो लिखा है रूल वन टू में रूल टू पढ़िए। हाँ सर समझ में आया। So, will you please explain the B1, second वाले का B? Second B, this is CONH, इसको open कर लो, C double bond O, NH, CH3. Now when you connect with benzene, can't you see first atom is carbon, with no lone pair, pi bonded with oxygen, whole group will become minus M. ठीक है? और बोलो बेटा, जितने इसमें दिए ना इसको ही अगर तुम ओपन कर करके प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें कुछ और बाद में करने की जरूरत ही नहीं है, कोई केमिकल बॉन्डिंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप इसको देखकर ही आंसर निकाल लोगे। एक बार इसको बस ओपन करना सीख जाओ कि CO दिया है तो उसका मतलब C डबल बॉन्ड O होता है, ये अपने आप तुम्हें फिर बाद में आंसर बताएंगे। फर्स्ट वाले का एफ वो बेटा उसमें पहला एटम नाइट्रोजन है ना लोन पेयर के साथ, तो प्लस है। ओके सर। सेकंड वाले का फिफ्थ। सेकंड वाले का फिफ्थ। सेकंड वाले का फिफ्थ ये क्या होता है? एफ ई ई ई ये ना, उसको ओपन करो बेटा। नहीं नहीं वो नहीं, उसके नीचे का सर E O CH2 डबल बॉन्ड CH2 उसके नीचे का ये वाला ना सर, ये वाला। हाँ तो O CH डबल, तो वो पहला एटम वो है ना लोन पेयर है। हाँ डबल बॉन्ड है, पहला एटम लोन पेयर वाला है ना, हो गया ना प्लस है। अरे रूल वन पढ़ो ना, कितना आसान तरीका बता दिया यार, फिर भी आप नहीं, मतलब कितने आसान तरीके से मैंने लिख दिया कि पहला एटम देखा लोन पेयर दिखाई दिया, लोन पेयर दिखाई दिया प्लस। हाँ। कुछ और सोच ही नहीं रहे हम लोग। सर
ऑल्सो जो वो थर्ड पार्ट है ना वो बोथ आइडेंटिफाई करने वाला, उसमें ए वाले में मुझे मतलब समझ में आया कि वो माइनस एम है, पर हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि उसमें लोन पेयर था, उसने वो दे दिया ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, इसलिए वो प्लस एम भी होगा, तो इसलिए बोथ। किस वाले की एग्जांपल की बात कर रही हो? ए वाला, थर्ड वाले में। थर्ड का ए वो माइनस एम होगा ना? हाँ सर, वो समझा, पर वो बोथ नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद उसमें लोन पेयर है तो वो दे रहा है, तो इसलिए वो उसका स्ट्रक्चर ये बनाया तो है मैंने। हाँ, यहाँ ओके, कहाँ है लोन पेयर इसके एन के पास? हाँ सर, ओके। हो गया सर, हटा दें? नो सर। Yes, इसको हटा दे बेटा, दोबारा नहीं आ पाएगा ये, हट जाएगा स्क्रीन से। तो स्क्रीन आप ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, नहीं तो क्योंकि ये फिर दोबारा नहीं आ पाएगा। थैंक यू। गाइस अब आप हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। एक्चुअली में तो क्वेश्चंस यहां से आते हैं एडवांस्ड में, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस मेसोबेरिक इफेक्ट। पहला एप्लीकेशन बोलिए बेटा। हाँ सर बोलूं सर, उसका गलती से अनम्यूट हो गया होगा सर। सर आप कंटिन्यू करो। ओके, इसमें टू डिटरमाइन रेजोनेंस एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में, बट आपने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा क्या अभी तक? नहीं सर। नहीं सर, ओनली फर्स्ट लॉ दैट थर्मोकेमिस्ट्री इज गोइंग ऑन। नो इश्यूज। तो उसमें वो अभी आपको रेजोनेंस एनर्जी थर्मोडायनेमिकली यानी बॉन्ड एनर्जीज ब्रेक करके एनर्जी के टर्म्स में निकालेंगे।
हमें अपनी केवल थियरी लगानी है, साइंटिफिकली हमें कंपेयर करना है. तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट आपको लिख कर रखना है, दैट विल हेल्प यू गेटिंग ऑल आंसर्स. क्या है वो स्टेटमेंट? मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड इंप्लाइज, मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड इंप्लाइज मोर रेजोनेंस एनर्जी. दिस स्टेटमेंट यू हैव टू यूज इन गेटिंग ऑल आंसर्स. कंपेरिजन करना है तो मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड इंप्लाइज मोर रेजोनेंस एनर्जी. दो कंपाउंड्स आपको दिए, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, ये चेक कर लेना है कि कौन अच्छा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा ले लेंगे, डन. यानी इसीलिए हमने अभी तक सीखा है रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन पे पॉइंट्स. तो लास्ट लेक्चर अगर आप देखोगे तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वो सब लिखाए थे आपको, ठीक है? तो एग्जांपल देखो बेटा, जैसे अब मेरी बातें सुनो, तुम लोग कम बोलो. लाइक इफ आई गिव यू दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या है बेटा? फिनॉल. और ये कंपाउंड देखो बेटा, इसका नाम क्या है? फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन. अब आप देखकर बताओ दोनों में लोन पेयर सिंगल डबल आपको दिख रहा है कि नहीं, रेजोनेंस है ना? लेकिन अगर मैं इस वाले का रेजोनेंस लिखता हूं तो डोंट यू थिंक कि यहां पर चार्ज सेपरेशन आता है? याद है आपको चार्ज सेपरेशन पढ़ाया था मैंने, चार्जेस जनरेट होने को चार्ज सेपरेशन कहा जाता है. Yes. तो यहां पर रेजोनेंस हुआ बट विद चार्ज सेपरेशन. अब आप लास्ट लेक्चर के नोट्स पढ़ो अच्छे से, क्या तुम्हें वहां नहीं दिख रहा है कि चार्ज सेपरेशन जो है वो उतना अच्छा रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन नहीं देता? ऐसा कहीं ना कहीं कोई पॉइंट चार्ज सेपरेशन से रिलेटेड लिखाया है मैंने, जाकर उसको पढ़ो. मिला ना? अब इस वाले में देखो, क्या इसमें कोई रेजोनेंस लिखने पर एक्स्ट्रा चार्जेस जनरेट हुए? आप थ्रू आउट लिखते चले जाओ, कहीं भी चार्ज नहीं मिलेगा. तो यहाँ रेजोनेंस क्या हुआ, विद या विदाउट? विदाउट, विदाउट चार्ज सेपरेशन. तो कौन ज्यादा अच्छा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड हुआ बेटा? विदाउट वाला. तो इसको लिखेंगे मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड. मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज तो मोर रेजोनेंस एनर्जी, ठीक? तो इतना पहले कॉपी कर लो, और कई सारे एग्जांपल दूंगा, आप परेशान मत हो ना. आपको जो मैं सिखा रहा हूं क्या वो आपको समझ में आ रहा है? पॉजिटिवली चीजों को लो, ज्यादा इधर उधर बहुत क्रॉस उसमें चले जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता आप इस मोमेंट पे कंफ्यूज हो. इसको कॉपी कर लो बेटा. Done, sir. ये कर लिया है. Yes, sir, done. कर लिया? अरे वाह, sir, in this chapter thermodynamics requirement is there, sir. Thermodynamics requirement, sir. Thermodynamics is not required here. हम लोग इसको theoretically निकाल रहे हैं. Thermodynamics, they will give you energy value. They will talk about the energy, numerical energy. Value. Okay, sir.
Should I remove this, beta? Yes. So charge separation low stabilized होता है ना? अगर मान लीजिए कि दो एक जैसे कंपाउंड्स हैं और एक में रेजोनेंस हो रहा है बिना चार्ज जनरेट हुए, तो वो ज्यादा अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा एज कंपेयर टू जिसमें चार्जेस जनरेट हो रहे होंगे। चार्ज जनरेट का मतलब होता है बेटा कभी भी प्लस माइनस दूर नहीं रहना चाहेगा, ठीक। तो अगर तुमने कोई रेजोनेंस कराया और प्लस माइनस को दूर कर दिया तो वो रजिस्ट करेगा, आप ऐसा सोचो। तो कोई चीज में अगर रजिस्ट कोई कर रहा है तो सिस्टम डिस्टेबलाइज होगा ना, मेरी बात समझ रहे हो ना? कि अगर मान लीजिए तुम दो दोस्त हो, तुम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और घर वाले तुम्हें बाहर हटा रहे हो, नहीं मिलने दे रहे हो, तो तुम क्या करोगे? रेजिस्ट करोगे, तो ओवरऑल सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो वही चीज है कि आप प्लस माइनस सेपरेट कर रहे हो रेजोनेंस करा करके। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हाँ सर। तुमने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। यस सर, हो गया। इसमें और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। अब एक डिफिकल्ट वाला अगर रिकॉल करो तो मैंने ये वाला भी केस कराया था। आप चेक करो बेटा, लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट रहा होगा। मैंने बोला था कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैन यू रिकॉल लास्ट लेक्चर लास्ट पॉइंट? यस सर। क्या था? मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके अलावा पॉइंट नहीं लिखाया था क्या मैंने? लिखाया था। वही तो कह रहा हूँ, लास्ट पॉइंट बोलो ना, एकदम लास्ट में जो पॉइंट लिखा। थर्ड पॉइंट, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मींस मोर। हाँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ। जब तुमको एग्जांपल लिखा तो एग्जांपल देख के आपको समझ जाना चाहिए बेटा कि अगर इसमें रेजोनेंस लिखते हैं हम लोग तो इसमें जो दो स्ट्रक्चर्स हैं वो इक्विवेलेंट कहलाते हैं। जैसे ट्विन्स है, समझ लो, ऐसा लगता है देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। वैसा ही सीओ यहाँ, वैसा ही सीओ यहाँ, वैसे ही सीओ माइनस यहाँ, वैसा ही सीओ माइनस यहाँ। इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट है, नॉट ओनली इक्विवेलेंट, नॉट ओनली इक्विवेलेंट, एक और चीज साथ में लिखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही है। जबकि इस वाले में जब रेजोनेंस लिखोगे तो क्या होता है? माइनस चार्ज मूव्स फ्रॉम ऑक्सीजन टू, सॉरी, हाँ, ऑक्सीजन टू कार्बन। सो इवन दो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा है, बट किसको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मोर बोलेंगे? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स वालों को। यस। और जो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। कॉपी कर लो बेटा एवरीवन।
Sir, in this acid-based reserminization like that, it is not there, sir. कुछ समझ में नहीं आया बेटा, बड़ी ब्रेक हो क्या? कोई समझ पाया बेटा क्या पूछ रहा है ये? Sir, I mean like which is acid, which is base, like that is not there, sir. Application. There are applications, but I will discuss. Okay. ये हो गया? Yes. Guys, इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिएगा, पेजेस भर गए, एक मिनट. नेक्स्ट एप्लीकेशन इसमें लिखिएगा टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग या इन बेंजीन करके लिख लो, इन बेंजीन रिंग. ये सिंपल तरीका है, इसका एक डिफिकल्ट वाला भी स्टाइल है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो है टू डिटरमाइन या टू प्रेडिक्ट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, अभी सब समझाऊंगा. आप लोग घबराया नहीं करो, पेशेंस रखो, सब चीज आएगी. पैनिक नहीं होना है कभी भी. एग्जाम भी ऐसा कई बार होता है, 10 क्वेश्चन शुरू के नहीं आए अपने से, तो पैनिक थोड़ी ना हो जाएंगे. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब समझाया जाएगा. ध्यान से स्लोली स्लोली करना है, भागना नहीं अपने को. पहले हेडिंग लिख लो आप सब लोग. आप ध्यान से देखो, बड़ा आसान है बेटा. अगर किसी ऑटो रिक्शा वाले से भी पूछा जाए कि बताओ इस बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो कहेगा पागल, सेम ही है भाई, दोनों बेंजीन रिंग है, सेम ही होगा ना. अब डिफरेंस लगाया, इसमें एक ग्रुप हमने जी लगाया और जी को क्या बोला, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. हमने ये नहीं बताया उसको कि ये रेजोनेंस से रिलीजिंग है कि विड्रॉइंग. हमने कहा हमने ये नहीं बताया कि रिलीजिंग वो रेजोनेंस के थ्रू है या फिर इंडक्टिव के थ्रू है. हमने कहा ओवरऑल इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और एक ग्रुप हमने लगाया जी डैश और इसको बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टोटल में इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नेट इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. तो बताइए ऑटो रिक्शा वाला किस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बोलेगा? फर्स्ट वाला सर. तुम कुछ और कहना चाहते थे क्या बेटा? सर बोल करके बोलो. जरूरी नहीं कि आप ऑटो रिक्शा वाले से अलग ही आंसर दें. सबको ये बात समझ में आई बेटा? यस सर. अभी मैंने एकदम आसान एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? अभी जैसे डिफिकल्टी बढ़ेगी अपने आप और चीजें आ जाएंगी, लेकिन खुद को कंफ्यूज नहीं करना है. आप देखो मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल दिया OH,
बेंजीन रिंग के साथ मैंने OH लगा दिया, फिर मैंने बेंजीन रिंग के साथ कुछ नहीं लगाया, फिर मैंने बेंजीन रिंग के साथ Cl लगा दिया, फिर मैंने बेंजीन रिंग के साथ NO2 लगा दिया। अब तुम्हें पहले से मालूम है केवल हेलोजन्स ऐसे होते हैं जिनमें इंडक्टिव डोमिनेट करता है। क्या याद है मैंने लिस्ट में ये चीज लिखाई थी कि हेलोजन्स में इंडक्टिव डोमिनेट करता है, बाकी सब में रेजोनेंस डोमिनेट करता है। कैन यू रिकॉल दैट पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। इसका मतलब है कि रेजोनेंस चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और शायद आसान भी है, क्योंकि हमने अभी वो सब पढ़ लिए चार पांच रूल्स के बेसिस पे। तो कोई भी देख के बता सकता है वेरी इजीली कि यहाँ OH इज द ओनली वन जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा ओवरऑल, क्योंकि OH विड्रॉइंग है इंडक्टिव से, रिलीजिंग है रेजोनेंस से, लेकिन रेजोनेंस डोमिनेट करता है अदर देन हैलोजन वाले ग्रुप में। सो OH ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा? रिलीजिंग। समझ गए सारे लोग? अब देखो Cl इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वायर रेजोनेंस, लेकिन विड्रॉ करता है इंडक्टिव से। Cl क्या हेलोजन की कैटेगरी का है? हाँ सर। यस। इसका मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? अब NO2 तो रेजोनेंस से भी विड्रॉ करता है, इंडक्टिव से भी विड्रॉ करता है, यानी ये तो खतरनाक विड्रॉइंग हुआ, नहीं लगता है आपको? यस। इसमें कोई ग्रुप लगा है क्या? क्या आप इन चार बेंजीन रिंग्स का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर नहीं बता सकते? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है ना सर? सर आप लास्ट वाला एक बार बताओगे प्लीज? क्या लास्ट वाला? स्ट्रक्चर। कोई समझाएगा बेटा इसको? लास्ट वाले में वो इंडक्टिव इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और ये वाले मेथड से भी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही होता है, इसलिए सर ने बोला कि वो तो लाइक बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग पार्ट ऑफ इट विल डिक्रीज, क्योंकि NO2 ग्रुप विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी सबसे कम होगी। ओके गॉट इट। सब लोगों को समझ में आया बेटा? पहले तो इतना कॉपी कर लो। हो गया। अरे वाह। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। सर आप Cl का एक बार वापस बोल सकते हो क्या एक्सप्लेनेशन? Cl बेटा हैलोजन्स की कैटेगरी में, फॉर हैलोजन्स
inductive dominates over resonance. So by inductive, it is withdrawing. So overall, it is withdrawing. Okay, sir. Thank you, sir. थर्ड और फोर्थ के बीच में कैसे कंपेयर किया आपने? थर्ड और फोर्थ के बीच में, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ वाला बेटा वो रेजोनेंस से भी विड्रॉइंग है और इंडक्टिव से भी विड्रॉइंग है, तो उसको तो बहुत ज्यादा विड्रॉइंग मिल रहा है ना इफेक्ट. अच्छा, यस सर, थैंक यू बहुत. Sir, in organic chemistry, totally how many chapters are there, sir? How many chapters? Yes, sir. 11, 12, 13. What, sir? Sir, ho gaya. Ho gaya. Guys. अब लेवल अप करते हैं, या लेवल अप करने से पहले अगर मैं इसी में तुम्हें रिएक्टिविटी वाले चीज भी बता दूं, कैन यू सी बेंजीन रिंग हैज गॉट पाई इलेक्ट्रॉन्स, कैन यू सी थ्री डबल बॉन्ड, सो यू कैन इजीली से हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. सो व्हेन अ रिएजेंट अटैक्स, व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट विल अप्रोच बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन सीकर और इलेक्ट्रॉन डोनर? Sir, it depends upon the reagent. Seeker. Electron seeker will. Sorry. तुम ज़्यादा सोच लेते हो बेटा. Common sense है. किसी को बोला गया कि भाई किसी को भूख लगी है, उसको खाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो common sense है. मतलब तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो कि अगर ऐसा हुआ या वैसा हुआ, अरे भूख लगी तो खाना खाएगा ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो अटैक करने वाला सीकर ही जाएगा, क्यों इलेक्ट्रॉन डोनर जाएगा जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है? इतना ज्यादा मत सोचो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. थोड़ा बेसिक्स में रखो ना, सिंपल रखो, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बनाकर रखोगे. सिंपल चीज पूछिए, सिंपल आंसर है ना, मतलब सिंपल सी चीज है कि भाई कुछ चोरी हो गई कहीं पर, बोला कहां जाओगे, पुलिस स्टेशन. अरे कितना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है चीजों को, जो सिंपल रूल्स बने हुए उन्हीं को फॉलो करना है अपने को. बैक टू दिस, सो व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट इज गोइंग टू अटैक? इलेक्ट्रॉन सीकर. इलेक्ट्रॉन सीकर को हम साइंस में क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल. याद आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं. तो मान लीजिए कि मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस मान लिया, ऐसे एज्यूम कर, ई प्लस सिंबोलिकली लिखा है ई प्लस, है ना. तो अब आता है इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो भाई इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये अनसैचुरेटेड है. कोई अनसैचुरेटेड चीज क्या होना चाहती है बेटा? सैचुरेटेड होना चाहेगी, सैचुरेट होना चाहेगी, है ना, सैचुरेट होना चाहेगी. बट अगर इसमें एक भी डबल बॉन्ड आपने तोड़ दिया तो इसका जो स्पेशल कैरेक्टर है एरोमेटिसिटी, वो क्या हो जाएगा बेटा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ये बेंजीन रिंग है या फिर कोई दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड है, वो नहीं चाहेगा कि उसका स्पेशल कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो, तो लेकिन रिएक्शन फिर भी होनी है. तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है? तो उसमें बोला जाता है ये अपना एच सब्स्टिट्यूट करा देता है. तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि रिएक्शन भी प्रोसीड कर गई, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक भी कर दिया, लेकिन उसका एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ. तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक
सब्स्टिट्यूशन. थोड़ी बहुत मेरी बात समझ में आ रही है बट सर व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एरोमेटिक दिस थिंग सर बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड एरोमेटिसिटी टिल नाउ. अभी हम मानकर चल रहे कुछ तो स्पेशल होगा ना तभी स्पेशल उसको पढ़ते हैं है ना. उसका कोई स्पेशल कैरेक्टर है वो रिपीट करना ना सर प्लीज एक बार रिपीट करेंगे. हाँ चलो सुन लो मैंने ये बोला है कि इसके पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट विल अटैक. तो आंसर आया इलेक्ट्रॉन सीकर और इलेक्ट्रॉन सीकर को हम साइंस में इलेक्ट्रोफाइल बुलाते हैं. तो मैंने कोई ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल एज्यूम कर लिया. जब ये इस पे अटैक करने जाएगा तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है. हमने फोर रिएक्शंस लिखी थी एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो नॉर्मली जो पाई बॉन्डेड होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं वो एडिशन कराते हैं बट यहाँ एडिशन होना पॉसिबल नहीं क्योंकि एडिशन होने पर डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा. डबल बॉन्ड खत्म होने पर इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि एरोमेटिसिटी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स के लूप की वजह से. तो इसके पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी इसके पास एक एच लगा हुआ है तो वो एच एलिमिनेट करा देगा और ई उसके बदले लगा देगा. तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन यानी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है और रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. रिएक्शन हो किस में रही है एरोमेटिक कंपाउंड में तो ओवरऑल इसका नाम क्या हो जाता है बेटा ई ए एस. क्या आप इस बात को समझ पाए ई एस क्यों लिखा गया था पहले. सर पूरा समझ आया बस एक पूछना था सर कि आपने वो रीजन क्या बताया कि आप एडिशन ना करके सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो. एरोमेटिसिटी वो अपनी एरोमेटिसिटी को प्रिजर्व रखना चाहता है. ओके सर बैक टू दिस. अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे. देखो हमने सबसे पहले क्या सीखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है और रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगी. सामने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है. अगर दो बेंजीन रिंग है तो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन सीकर ज्यादा जाएगा. तो बताइए अगर इसी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन बदल दूं और पूछूं राइट द रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आपका आंसर क्या होगा. सेम आंसर हो जाएगा यानी क्वेश्चन वही करना था केवल स्टाइल उसने बदल दिया और क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया ऑटोमेटिकली. ठीक तो आप ये कॉपी कर लो फिर वहां पर इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लो और आंसर वही कर दो. ठीक है सर. इलेक्ट्रोफाइल एग्जैक्टली होता क्या है. कोई भी रिएजेंट जो होगा ना वो या तो रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तभी वो सामने बॉन्डिंग करता है किसी से. तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस ग्रुप को उस कंपाउंड को इलेक्ट्रोफाइल के नाम से बुलाते हैं. ठीक है ओके सर. लाइक वो एक से ज्यादा भी ले सकता है ना. क्या ले सकता है इलेक्ट्रॉन. हाँ हाँ वो हम सब डिस्कस करेंगे. अभी केवल छोटी सी चीज पैसा मांगता है वाले को भिखारी कहते हैं. हमने ये नहीं बोला दो रुपए मांगे दस रुपए वो कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई. अभी स्लोली स्लोली वहां तक पहुंचेंगे. थोड़ा आसान पहले समझो कि जो पैसा मांगेगा उसको भिखारी. इसके अलावा तो कुछ जाना ही नहीं हमने है ना. बस खत्म कहानी. क्यों अपने आप को हम अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में लेके जाए. सब पहुंचेंगे स्लोली स्लोली. ठीक है sir. Sir, today this much discussion or you are going to do more sir. Yes brother, this much of only this much then thank you can... bye sir. Sir ES wala dikhao na page jisme aapne wo kya liya ye. Those of copied can leave huh?